यार अक्सर ना हम लोग अपने डेली लाइफ में मतलब ऐसे कुछ चीजें करते हैं जो होते हैं गलत, बट हमें ऐसा लगता है कि हम सही कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में ना ऐसे कुछ 10 गलतियां देखेंगे जो आप लोग डेली रूटीन में करते हो और वो हर लड़के को पता होनी चाहिए। वीडियो को एंड तक पूरा देखना क्योंकि भाई वीडियो के बीच बीच में ऐसे कुछ टिप्स है ना जो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, देखो ये कुछ लास्ट वीक की बात है, मुझे इंस्टाग्राम पे अपने एक भाई का मैसेज आया था। और अब देखो वैसे तो हम लोग ब्रश सभी लोग करते हैं, सभी को चाहिए अपने व्हाइट क्लीन टीथ, बट भाई साहब प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, बहुत से लोग मतलब ऐसे गलत फैमिली में रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो मिल लेंगे उनके बाद उनको ब्रश करना है। तो वैसे तो आफ्टर एवरी मील आप लोगों को ब्रश करने की जरूरत नहीं है, लोग एक बार सुबह और एक बार सोने से पहले भी करोगे तो वे बहुत होता है। को ये भी पता होना चाहिए कि आप जो टूथपेस्ट यूज करते हैं तो उनके अंदर ये सारी केमिकल्स होते हैं, भले ही हम लोग निकलते नहीं बट यार कुछ पार्ट इसका हमारे बॉडी के अंदर भी जाते हैं। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपके टीथ के ऊपर लेयर होता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। आप लोग चाहो तो आफ्टर मील मतलब वाटर से अपने माउथ को क्लीन कर सकते हो। नंबर 2, देखो बहुत बार क्या होता है जैसे हम लोग बाहर से घर पे आते हैं तो मतलब डर्ट हो गया, फिर पोल्यूशन की वजह से या फिर स्वेट के वजह से ना हमारा फेस बहुत ज्यादा डल हो जाता है। तो जैसे हम लोग घर पे आते हैं तो यार हम लोग वैसे तो कुछ नहीं करते, या फिर करेंगे तो फेस वॉश करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आप लोग को एक बेस्ट चीज बताता हूँ, आप लोग को फेस वॉश नहीं करना है तो आप लोग रोज वाटर ले सकते हो, कॉटन बॉल रोज वाटर के ऊपर डाल के आप लोग को अपने फेस को प्रॉपरली क्लीन कर लेना है। वैसे आप लोग को बता दूं रोज वाटर है ना एक नेचुरल टोनर है, साथ ही उसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, इसी के साथ वो डलनेस को भी कम करेगा, साथ ही वो स्किन कॉम्प्लेक्शन में भी मतलब आप लोग को इंप्रूवमेंट देगा। नंबर 3, वो अटेंशन स्पैन का कम होना। आप देखो वैसे तो हम लोग ना डेली लाइफ में मतलब कभी कुछ स्टडी करने बैठते हैं, फिर कुछ भी पढ़ने बैठते हैं तो हम लोग प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते। ये दिक्कत भाई अभी के टाइम पे नॉर्मली सभी लोगों के साथ होती है। इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है हमारा अटेंशन स्पैन का कम होना। जैसे कभी इस वीडियो को मैंने पूरा देखने बोला तो बहुत से लोग शायद से स्किप भी कर देंगे। और एक इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है शॉर्ट वीडियो कॉन्टेंट का आना। चीज आप लोग भी नोटिस करोगे, भले आप लोग मतलब 2 मिनट के लिए भी फोन लोगे या फिर 1-2 वीडियोस भी देखोगे शॉर्ट वीडियो, लोग उसको इजीली स्क्रॉल करते हुए ना मतलब 15-20 वीडियो देख लोगे। सबसे बड़ी चीज तो ये आपको भी पता नहीं चलेगा, आप लोगों को इसकी ज्यादा हैबिट हो गई है तो आप लोग अपने फोन में स्क्रीन का जो मतलब टाइमर होता है अगर आप उसको सेट कर दोगे कि हाँ मतलब 10 मिनट के लिए या फिर 15 मिनट के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली 10 या 15 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि भाई यार मतलब भाई बस कर देना चाहिए। और फोन है वो बॉल स्क्रैच करना। देखो अब बहुत सारे लोग बोले कि भैया मतलब ये तो है नेचुरल चीज है, मुझे एक बात बताओ ये नेचुरल चीज कैसे हो सकती है, आप लोग क्या बचपन से खुजाते आ रहे हो क्या? ये जो प्रॉब्लम है ना भाई ये हमने खुद से ही क्रिएट करी। जैसे कि मतलब जैसे आप लोग नहा के बाहर आते हो तो उस पार्ट को प्रॉपरली ड्राई करना हो गया। अगर आप लोग की बॉडी थोड़ी सी भी वेट है और आप लोग उसके ऊपर मतलब कपड़े वेयर कर लेते हो टाइट कपड़े वो भी, तो भाई ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के साथ अगर आप लोग प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड सोप यूज करते हो या फिर केमिकल बेस्ड सोप यूज करते हो तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग को ज्यादा टाइट अंडरवेयर हो गया या फिर जो पॉलिस्टर के या फिर नायलॉन के अंडरवेयर होते हैं जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स वगैरह होती है मतलब जो स्टाइलिश दिखते, भाई यार वैसे सारी चीजें आप लोग को नहीं चूज करनी चाहिए। तो आप लोग 100% जो कॉटन वाले अंडरवेयर होते हैं तो वो आप लोग चूज कर सकते हो। जैसे आप लोग नहा के बाहर आओगे तो आप लोग को अपने बॉडी को प्रॉपर ड्राई करना है और एक अच्छे डस्टिंग पाउडर का यूज करना है। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आप लोग मतलब पी करने के लिए टॉयलेट जाते हो तो उसके बाद आप लोग को उसको प्रॉपर वॉश करना चाहिए। ये चीज आप लोग को कोई नहीं बताने वाला, बट हाँ उसको वॉश ही करना, बाकी कुछ मत करना। अब नंबर 5, वो अपने फेशियल हेयर को मैनेज करना। सर हम लोग अपने स्किन की केयर तो करते हैं, एटलीस्ट वीक में एक बार आप लोग के जो जॉइंट आईब्रोज होते हैं जिसको यूनिब्रोज भी कहते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता, यहाँ पे आप लोग ट्वीजर या फिर सीजर यूज कर सकते हो, बट आप लोग को बिल्कुल भी रेजर हो गया या फिर जो ब्लेड्स वगैरह होते हैं तो उनका यूज नहीं करना है। इसी के साथ बहुत सारे लोगों को ना पैची बियर्ड की भी प्रॉब्लम होती है जो भाई बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं दिखता, आप लोग को उसको प्रॉपर शेप में रखना चाहिए। साथ ही आप लोग को एक अच्छा बियर्ड ऑयल भी यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कोई बियर्ड ऑयल रिकमेंड करूं तो आप लोग यहाँ पे ग्रीकोमेन का बियर्ड ग्रोथ ऑयल यूज कर सकते हो, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। इसकी जो बेस्ट बात है इसके अंदर है स्वीट आलमंड ऑयल, विटामिन ई, ऑलिव ऑयल और सेसमी ऑयल, जो आपके बियर्ड को हेल्दी रखता है, शाइन देता है और सॉफ्ट रखता है, जिससे आपका ओवरऑल लुक काफी बेस्ट दिखता है। इससे बियर्ड ऑयल यूज करने से आपकी बियर्ड ओवरनाइट तो नहीं आने वाली, बट हाँ अगर आप लोग इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे तो आपको बियर्ड ग्रोथ में मतलब काफी अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। वैसे इसको यूज करना काफी आसान है, सिंपली आप लोग को थोड़ा सा बियर्ड ऑयल अपने पाम पे लेना जैसे कि आप लोग देख रहे हो और अच्छे से अपने बियर्ड के ऊपर आप लोग को मसाज करना है। ऐसे नॉन ग्रीसी और क्विक एब्जॉर्ब हो जाता है जिस वजह से आप लोग इसको डे और नाइट कभी भी यूज कर सकते हो। बेस्ट बात इसके अंदर सिलिकॉन हो गया, मिनरल ऑयल हो गया या फिर कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। वैसे ग्रीकोमेन की पूरी किट भी आती है तो ओवरऑल देखा जाए तो ये काफी बेस्ट प्रोडक्ट है, जरूर से रिकमेंड करूंगा आप लोगों ने एक बार जरूर से ट्राई करना चाहिए। मैं चाहता हूं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप इसको इनके ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस करते हो और मेरा कूपन कोड HUNG10 यूज करते हो जैसे कि आप लोग देख रहे हो तो आपको यहाँ पे इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो जाके जरूर से चेकआउट करना। नंबर 6, बहुत सारे लोग क्या करेंगे वो बाथ सोप को हेयर वॉश की तरह मतलब उसको यूज करते हैं। देखो बाथ सोप जो होता है ना वो बहुत ज्यादा हार्श होता है, अगर आप लोग उसको अपने स्किन पे हो गए या फिर मतलब बालों को यूज करोगे तो आपके बाल 100% ड्राई होंगे। और ऑब्वियसली अगर वो ज्यादा ड्राई हो जाएगा इसका मतलब उसने जितने भी नेचुरल ऑयल्स है जो हमारे बालों के लिए चाहिए होते हैं तो वो भी वो रिमूव कर देगा। इसलिए भाइयों इस चीज को समझो, आप लोग बाथ सोप को बॉडी पे लगा सकते हो बट फेस पे और बालों के ऊपर बिल्कुल नहीं लगाना। और हाँ एक बात हमेशा रखना, बाल अगर गीले हो गए तो उसके ऊपर आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाना, जैसे कि ऑयल हो गया या फिर वैक्स हो
गया या फिर हेयर ड्रायर हो गया, हेयर स्ट्रेटनर हो गया, तो कुछ भी नहीं। तो प्रॉपर आप लोग को अपने बालों को ड्राई करना है, उसके बाद आप लोग को जो लगाना है वो लगाओ। सेवन की जो चीज है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोकास्टिनेशन। इसका अगर सीधा सीधा मतलब बताओ तो वो एक काम टालने की आदत। ये चीज ना भाई सबके अंदर होती है, आपके अंदर होगी, मेरे भी अंदर है। मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, देखो बहुत बार क्या होता है ना, मतलब हमें पता होता है कि ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या फिर हमें वो कंप्लीट करना है, बट हम लोग उस चीज को टाल देंगे। और एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप लोग रिलेट करोगे। देखो हमें पता है कि एक महीने बाद हमारी एग्जाम है, बट फिर भी हम लोग एक महीना इतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। एग्जाम की एक रात पहले मतलब भाई हम लोग मतलब यार सब कुछ लेके बैठते हैं। तो ठीक करने के लिए ना सबसे पहले तो आप लोग को काम को डिवाइड करना होगा। सिंपल मतलब आप लोग को टाइम टेबल बना लेना है कि पूरे दिन में आप लोग को क्या क्या करना है। बट हाँ, उन चीजों को आप लोग को दिमाग में प्लान नहीं करना है, तो वो आप लोग को लिख के लेना है। जब आप लोग मतलब अंदर प्लान करते हो तो वो मतलब आप लोग एक से दो दिन ही कर पाओगे। आप लोग प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हो और आप लोग उसको डेली देखते हो तो आप लोग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आप लोग उसको प्रॉपर फॉलो करोगे। आप एक सिंपल ट्रिक बता दो, जैसे कि आप लोग को प्रॉपरली 25 मिनट के लिए काम करना है, उसके बाद आप लोग 10 मिनट का ब्रेक लो। ये भी पता है कि भाई ब्रेक तो मुझे 10 मिनट मिलने वाला है, तो यार मैं 25 मिनट प्रॉपरली काम कर लेता हूं अपना। देखो 25 मिनट कुछ ऐसा मतलब बड़ा नहीं है, तो आप लोग इजीली कर पाओगे उसको। से आप लोग धीरे धीरे इस चीज को करोगे तो आप लोग 25 मिनट से लेके आप लोग 35 मिनट हो गया, फिर एक घंटा आप लोग को काम करना है, उसके बाद आप लोग को 10 या फिर 15 मिनट का ब्रेक लेना है। तो ऐसे करते करते आप लोग का कॉन्सेंट्रेशन और फोकस ज्यादा बना रहेगा। वेट की गलती है वो डाइजेशन रिलेटेड। देखो बहुत बार ना हम लोग जैसे खाना खाते हैं तो उसके बाद हम लोग तुरंत से मतलब पूरा ग्लास भर पानी पी जाते हैं। खाना खाते खाते भाई हम लोग आधा लीटर वहां पे खत्म कर देते हैं। देखो आप लोग को तभी भले कुछ नहीं लगता होगा या फिर तभी काफी अच्छा लगता होगा, बट इससे ना आप लोग को डाइजेशन के इश्यू हो सकते हैं। आप लोग का खाना खा के हो जाएगा तो उसके 30 मिनट बाद आप लोग प्रॉपरली मतलब बैठ के पानी पी सकते हो। अब ऐसा करने से ना आप लोग को तुरंत इसके रिजल्ट और इफेक्ट दिख जाएंगे। नंबर 9 है वो बॉडी हेयर को रिमूव करना। बहुत बार ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब रेजर यूज करना चाहिए, ट्रिमर यूज करना चाहिए या फिर मतलब स्प्रे वगैरह यूज करना चाहिए जो हेयर रिमूवल के आते हैं। रेजर आप लोग को प्यूबिक हेयर हो गया या फिर बॉडी के ऊपर आप लोग को बिल्कुल भी यूज नहीं करने चाहिए। रेजर आप लोग के बालों को प्रॉपर तो रिमूव कर देगा, बट जैसे 2-3 दिन होंगे ना जैसे हेयर आना स्टार्ट हो गए तो वो आप लोग को ज्यादा मतलब चुभने लगेगा। बेस्ट ऑप्शन होगा वहां पे आप लोग ट्रिमर यूज कर सकते हो प्यूबिक हेयर के लिए होगा या फिर बॉडी के हेयर को रिमूव करने के लिए। नंबर 10 है वो एक कंपैरिजन करना। गलती भाई हम लोग अपने दोस्त को हो गया या फिर मतलब दूसरे लोगों को देख के जरूर से कर दे, जैसे कि भाई मतलब इसके पास गाड़ी है या फिर इसके पास पैसा है, जैसे कि इसके पास लुक है मेरे पास कुछ भी नहीं, इसके पास हाइट है मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसकी बॉडी है भाई मेरी कुछ नहीं है। भाई जो तुम्हारे पास बेस्ट चीज है उन सारी चीजों को छोड़ के आप लोग फालतू की चीजों को लेकर मतलब खुद से कंपेयर करते हो, ज्यादा खुद को डीमोटिवेट कर लेते हो। सबसे बड़ी गलती खुद की जो कमियां है वो दूसरों को बताते हो। एक बात समझो, यहाँ पे ना दूसरे आप लोगों की मतलब परेशानी को समझेगी नहीं तो वो आपका मजाक ही उड़ाने वाले। साथ में आप लोग को ऐसा लगता है कि ये चीज मेरे में मतलब कमी है, उसके ऊपर खुद से ही वर्क करो, ना कि आप लोग को वो चीजें दूसरों को बतानी है। आई होप तुम लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। लोग मेरे और भी यहाँ पे वीडियोस देख सकते हो जो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। मिलता है न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस।